हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। इतनी कुछ अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी बात करना ज़रूरी है, तो करते हैं बात। तो लगाती हूँ कैमरे को एक साइड और बैठ करके आपसे करते हैं बात। तो मैंने कैमरे को लगा दिया है ट्राईपॉड पे, और ऐसे आपको पीछे की तरफ में जो बैकग्राउंड है वो आज आसमान का दिखेगा, क्योंकि बात इतनी खुशी वाली है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं जितने अच्छी तरीके से आप सभी से कह पाऊँ मैं कहूँगी। तो आप में से बहुत से लोग, मैं कह सकती हूँ कंसर्न है मेरे लिए, जिनको मेरी फिक्र है कि मैं कैसे खा रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा रूड और बहुत ही ऐसे बुरे तरीके से बोल के चले जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ अपनी बॉडी वेट की। तो मैं अचानक से जो मेरा बॉडी वेट बढ़ा है, आप सभी को भी दिखा है, पहले मैं कैसे दिखती थी, अब मैं कैसे दिख रही हूँ। तो मेरे को इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है अपनी बॉडी वेट से यार, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ इशू हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि बॉडी वेट बढ़ जाने से क्या क्या होता है। मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गई हूँ, आलसी हो गई हूँ मैं अपनी चीज़ों को लेकर के। लेकिन जब आप ऐसा देखो, वैसे ही मैं ना बहुत ही कैमरा शाय हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हूँ, मेरे को कैमरा के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आप देखो मेरी फैमिली का काम ऐसा है, तो फिर वो आते हैं कैमरे के सामने, तो मैं भी आना अब स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो बना लेते हैं। अब मैं धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रही हूँ कैमरे के आगे, लेकिन जब आप कैमरे के आगे आते हैं तो आपको बहुत से लोग बहुत अलग अलग तरीके की बातें कहते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं, या वो नहीं सोच पाते हैं कि आपके अंदर उस चीज़ का कितना प्रभाव होने वाला है। तो वैसा ही है कि आप में से बहुत से लोग कंसर्न है मेरे लिए, तो वो मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा बुरा लिख के जा रहे हैं कि खा खा के मोटी हो गई है, भैंस होती जा रही है, अपने शक्ल देख सूज गई है, गुब्बारा हो गई है, अंजलि आंटी लग रही है, अंजलि आंटी। तो ऐसे लोगों को लगता है कि शायद वो मुझे आंटी बोल देंगे तो मुझे बुरा लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आंटी में तो कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, आप और भी बहुत बहुत बुरी बुरी बातें लिख के जा रहे हैं, जिससे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा मैं डीमोटिवेटेड फील करती हूँ, जिस दिन मैं वैसे कमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हूँ ना, ऐसे बैक टू बैक आ रहे होते हैं, तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो बीच में एक दिन ऐसे हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था, तो किसी को क्या बताऊँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस मैंने उस दिन खाना ही नहीं खाया, मेरा मन ही नहीं किया खाना खाने का। मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं ज़्यादा खाना खा रही हूँ इस वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं गलत खाना खा रही हूँ इस वजह से हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है आपको भी पता है, क्योंकि मम्मी पापा इधर है नहीं, मैं अकेले रह रही हूँ भाई के साथ, तो आधे दिन मेरा मन करता है, आधे दिन मन नहीं करता है। और जो मन नहीं करता है तो जोमैटो है ना मेरे पास, तो मैं जोमैटो से मंगा लेती हूँ। और मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही ऐसा है कि मेरे को बहुत चटपटा और स्पाइसी खाने का तो मन करता ही है, मैं बहुत पहले से ही ऐसी हूँ। और मेरे मम्मी पापा इतना अच्छा खाना बनाते हैं, तो इस वजह से मैं और ज़्यादा खाने की शौकीन हूँ, और हम पूरे दिन खाने से रिलेटेड ही बात करते हैं। तो खाना मतलब मेरे आसपास खाना ही घूमता है, मतलब खाने के लिए मैं जी रही हूँ, ऐसा मेरे साथ है अभी। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ और मैं करूँगी भी। लेकिन मैं डाइट ऐसे प्रॉपर कोई फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब लोग बोलेंगे ये क्रेविंग्स के टाइम के लिए आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं, हाँ मुझे पता है वो रख सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही चटपटा खा चुकी हूँ, तो मेरे टेस्ट बर्ड्स उनको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है हम करेंगे। लेकिन वही है कि जब आप ऐसा लिख देते हैं कि तेरे से शादी कोई नहीं करेगा, ऐसी चीज़ें क्यों लिख रहे हो भाई, अभी तो शादी मेरी हो भी नहीं रही है तो उसकी मुझे टेंशन भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग लिख रहे हैं कि शादी कर ले, इतनी मोटी हो गई है, अब कब शादी करेगी, ये वो, बट ठीक है शादी के लिए तो मेरे को दिक्कत भी नहीं, बस मुझे है कि मैं मोटी हो रही हूँ, ये मेरे गाल ऐसे भर गए ना, ये पूरे आप देख रहे होंगे, जो फेस फैट है ये बहुत ज़्यादा हो गया है, और टमी फैट भी हो ही गया है, तो उसका ये मुझे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बस मेरे को मोटे होने से सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि मेरे को कपड़े नहीं आते हैं, मेरे पुराने कपड़े मुझे आ नहीं रहे, बस मुझे उस चीज़ का ज़्यादा दिक्कत है। और तो मुझे ऐसे कोई खासा दिक्कत है नहीं, मैंने बहुत सारे नए कपड़े खरीदे हैं, और उसके चक्कर में लोग ये कहते हैं पैसे उड़ा रही है फालतू के, बट क्या करूँ मैं मोटी हो गई हूँ तो नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे मुझे, मैंने खरीद भी लिए हैं, ठीक है। तो मैं सस्ते कपड़े खरीदती हूँ, महंगे नहीं खरीदती हूँ, तो ठीक है मेरा काम चल रहा है। बट अगर आप में से कुछ लोग अगर मुझे हर्ट करने के लिए लिख रहे हैं कि मोटी हो गई है, भैंस हो गई, अंजलि आंटी, तो ठीक है, अब मेरे को बुरा नहीं लग गया क्योंकि मैंने आपसे बात कर ली है ना, आपको पता चल गया कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है, तो शायद आप में से बहुत से लोग लिखेंगे भी नहीं, तो मैं ये ट्रिक यूज़ कर रही हूँ बस। लेकिन थोड़ा बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में एक टाइम पे एक पॉइंट पे हर किसी को मोटा होना चाहिए, इसलिए नहीं कि उनकी हेल्थ
इशू हो जाए, इसलिए कि उनको समझ आए कि बॉडी शेमिंग करना कितना बुरी बात है और कैसा लगता है। जैसे आज से पहले मैं कभी भी मोटी नहीं थी, कभी भी मोटी हुई नहीं हूँ। मैं उनमें सी थी, मैं सोचती थी कि मैं कितना भी खा लूँ मैं कभी मोटी होंगी ही नहीं, और सच में मैंने यही सोचा था। बट मेरा काम ऐसा हो गया कि पूरे दिन मैं डेस्क पे या टेबल पे बैठ के या चेयर पे बैठ के काम करती थी और खाती रहती थी, तो मैं मोटी हो गई। और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है। मुझे ना ये लॉकडाउन से ही फील होना शुरू हो गया था, लेकिन मेरे को ऐसा था कि यार क्या हो गया, लॉकडाउन है ना, अभी घर पे है इसलिए ऐसा लग रहा है, जैसे मैं बाहर जाऊंगी तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वेट बढ़ता गया बढ़ता गया, मैं खाती गई बढ़ता गया। अभी मैं करंटली 64 है मेरा वेट, और मुझे पता है कि मेरा वेट ज़्यादा है, 10-12 किलो कम करना पड़ेगा। और उसको कम करने के लिए क्या क्या करना होगा, वो तो सारे दंड भेद सब करने पड़ेंगे मुझे ना। मैं उनमें से हूँ कि मेरे को खाना है, मेरे से एक्सरसाइज करवा लो लेकिन मैं खाना नहीं छोड़ सकती, तो वैसा ही है मेरे साथ सीन। तो मैं देखती हूँ कैसे करूँगी, जैसे भी करूँगी आपको तो दिखाऊंगी ही। लेकिन बस आपको एक चीज़ करनी है कि यार आप ऐसे बुरे बुरे कमेंट मत करो, ठीक है? और जो ऐसा कर रहा है ना उसको छोड़ो मत क्योंकि यार मेरे को बहुत बुरा लगता है। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मोटे हैं, मोटे मतलब क्या, मतलब लोग ना मोटा होना एक अजीब सा ही समझ लेते हैं, सोचते हैं कि ओ मोटा हो रहा है, उसको अलग ही लेवल पे लेके चला जाते हैं। बट मेरे को इतना कुछ है नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि हर किसी को एक बार अपनी पूरी लाइफ में एक बार उस फेज पे जाना चाहिए ताकि वो समझ पाए कि उस फेज पे जो है उस बंदे को कैसा लगता है। भाई उस बंदे को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि हर कोई, जैसे आप कपड़े भी खरीदने जा रहे हो तो आपको लोग बोलेंगे कि मैडम ये तो आपको नहीं आएगा, तो वो सुन के थोड़ा बुरा लगता है कि अरे यार ये मेरे को आ नहीं रहा है। या फिर अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आप अपने आप को ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन ना आपको ना लोगों के वो पॉइंट ऑफ व्यू ना ऐसे पॉइंट कर रहे होते हैं कि अरे यार उसने बोला कि तेरे यहाँ से फैट दिख रहा है, तेरे यहाँ पे फैट दिख रहा है, तेरी टमी पे फैट दिख रहा है। सो ऐसा वो मेरे को इतना है नहीं। बट हाँ, मेरी फैमिली में सब ऑलमोस्ट हेल्दी हैं, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये भी मोटी ना हो जाए, तो उसके लिए आप कंसर्न दिखा रहे हैं, उसके लिए ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे भी पता चल चुका है कि मैं मोटी हो गई हूँ, और अभी भी मैं इतना हेल्दी कुछ खा नहीं रही हूँ जैसे कि आप देख रहे होगे। ऊपर से मेरे दोस्त भी ऐसे ना मुझे अनहेल्दी खिलाते हैं बहुत सारा, वो खुद खाते हैं और मुझे भी खिलाते हैं, वो खाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगी क्या? मैं देख नहीं सकती, मेरे को भी खाना होता है। मैं खाने को देख करके ना बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मेरे को खाना चाहिए होता है, मेरे को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा मतलब टेस्टी खाना। मैं अच्छा खाना नहीं खाती, मैं टेस्टी खाना खाती हूँ, मैं सिर्फ इस जबान के लिए खाती हूँ, पूरे शरीर के लिए नहीं खाती हूँ। तो बस ऐसा ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटी होने में, बस मेरे को ये है कि मैं ना थोड़ी लेजी हो जाती हूँ हर चीज़ में, थोड़ा ऐसे फटीग आ जाता है कि यार कल कर लेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा बस हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं। और कपड़े बस दो दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी भी बोल रही थी कि वेट कम करो ज़्यादा हो रहा है, मेरी मम्मी को भी चाहिए कि मैं सुंदर दिखूं और आप में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि दिल्ली आके तो गोरी हो गई तो मेरा कॉम्प्लेक्शन यही है। गांव में थोड़ा सा ना वो होता है कि वहाँ पे डस्ट होता है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ऐसा कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। लेकिन मेरा कॉम्प्लेक्शन यही है, कोई वो नहीं है, कोई मेकअप वेकअप नहीं है, सिर्फ मैं लिप बाम लगाती हूँ और उसको यहीं लगा लेती हूँ, ठीक है? आपको कभी दिखाऊंगी कि वीडियो बनाने से पहले मैं कैसे रेडी होती हूँ, आप देख कैसे हो जाओगे कि वाह वाह। और तो कुछ नहीं, और क्या बात करूँ मैं आपसे। मैं ऐसे कैमरा रख के बात बहुत कम करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे कि मैं ऐसे बात करूँ आपसे तो मैं करती रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी मेरे से बात करते रहना, मैं भी करती रहूँगी। और जो लोग ऐसे कमेंट करें कि एक्चुअली तू मोटी है, तो उसका आप देख लेना, ठीक है? कोई इसके नीचे तो कोई लिख के नहीं जाएगा एक्चुअली तू मोटी है, ठीक है? और आप बताना कि आपको खाने में क्या पसंद है, ठीक है? मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें पसंद है खाने में, और खाने का नाम सुनकर के मेरा पूरा मुंह ऐसा हो जाता है कि अरे खाना, मतलब मेरे को बहुत प्यार है खाने से, क्योंकि शायद हम बचपन से ही खाने को लेकर के कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है, क्योंकि पापा मम्मी हमेशा से अच्छा खाना बनाते हैं, तो हम लोगों को पापा का ढाबा था तो उस हिसाब से हमें सब कुछ ऐसा खाना 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 लगता है। तो बस मुझे बुरा नहीं लगता कि पहले मुझे बुरा लगता था, जैसे लोग लिख देते थे ना कि तू मोटी हो रही है, तो जब मैं स्टार्टिंग फेज में थी तब मुझे बुरा लगता था कि यार ये मोटी क्यों बोल रहा है मेरे को, ऐसे कोई क्यों बोल रहा है किसी को, तो ऐसा मेरे को लगता था। बट अब मेरे को ऐसा नहीं लगता, अब मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को पता है ये, तो कुछ और बताओ अब तो ऐसा वाला हो गया है, अब तो मेरे को बुरा नहीं लगता, अब मैं चिल हूँ इसमें कि हाँ ठीक है। बस हाँ, चिल इसलिए नहीं हूँ, इसलिए हूँ कि हाँ मेरे को पता है कि मैं मोटी हूँ, और चिल इसलिए नहीं हूँ कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है। देखो वेट लॉस करना है ये बहुत बड़ा वो नहीं है कि
मैं अपनी जिंदगी ही पूरी इस पे आधारित कर लूँ कि हाँ भाई वो भाई मेरे को तो मैं बहुत ही मोटी हो गई हूँ ये वो, मैं उसके बारे में 25 घंटे उसके बारे में नहीं सोच सकती, बस मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं अपना खाना ठीक करूँ, धीरे 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 ग्रेजुअली सब चीज हो जाएंगी। तो बस इतनी सी बात है और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत ऐसे लाइट लाइट फील हो रहा है। पहले मैं सोचती थी कि मैं कैसे बोलूं कि ऐसा मत लिखो वैसा मत लिखो, तो बस मैं आप लोगों से ऐसे बात कर ले रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जनरली आप लोगों से ऐसे बात नहीं कर रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और मेरी तरफ से बहुत सारी हग और मैं जाती हूँ। और अब मैं क्या करूँ, मैं जा रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। बस मेरे को अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आप लोगों को कैसा लगा मेरे से बात करके? वैसे ऐसे बात करके कैसा लगता है आपको? लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ? मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कैमरे पे बहुत कम ही बात करती हूँ, लेकिन ठीक है मैं धीरे धीरे यूज टू हो रही हूँ, मुझे बहुत शर्म सी आती है, बट ठीक है मैं धीरे धीरे कम कर लूँगी। और अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, मेरी तरफ से बहुत सारी पप्पी झप्पी। बाय बाय, अपना अपना ख्याल रखें, और कोई भी मोटा है उसको मोटा ना बोले बस, क्योंकि देखो यार उसको पता है कि वो मोटा है, ठीक है? आपके बताने ना बताने से आपको क्या लग रहा है कि उसको पता नहीं है कि वो मोटा है या वो मोटी है? तो उसको पता है, ठीक है? जैसे कि मुझे पता है कि मैं मोटी हूँ, और पीछे सब मौसम अच्छा हो रखा है ना, सबने कपड़े वपड़े धुल के सुखा रखे हैं। अभी मैं छत पे आई हुई थी, क्योंकि आपको तो मैं नीचे का पूरा ऑलमोस्ट हर रूम वगैरह हमने कवर कर लिया है, आपको दिखा भी दिया कि क्या क्या कहाँ कहाँ है। तो बस, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, नाइट सूट है ये, नाइट सूट है ये, मैंने सरोजनी से लिया था 200 रुपये में, ठीक है?